हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रिस्ट विद लॉ। वी ऑल मेड अ ट्रिस्ट विद लॉ सम टाइम इन अवर लाइफ एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर। दोस्तों, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में हमने कई सारे केसेस देख लिए हैं। अब उसमें हम एक ये एक्सप्लोर करते हैं एंगल कि उसमें पावर ऑफ रिव्यू कितना है। तो सेक्शन 44 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट, इसमें द मतलब जो बार काउंसिल है, वेदर ऑफ स्टेट और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उनको ये पावर दी गई है टू रिव्यू दैट डिसीजन। द क्वेश्चन इज, रिव्यू में वो क्या क्या कर सकते हैं, इस देयर स्कोप ऑफ द रिव्यूइंग पावर में के लिए हम ये केस देखते हैं, शंभूराम यादव वर्सेज हनुमान दास खत्री। तो उसने 2001 का सुप्रीम कोर्ट का केस है और इसमें हुआ ये था कि इसमें जो लॉयर थे, तो उन्होंने अपने क्लाइंट को एक लेटर लिखा और उसमें ये लिखा था कि सम ऑफ हिज फ्रेंड, कोई दूसरे एडवोकेट ने बताया है कि जो प्रिसाइडिंग जज है, ही इज ओपन टू टेकिंग ब्राइब एंड ही विल गिव जजमेंट्स इन द फेवर ऑफ ब्राइब गिवर। तो इसके लिए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का केस चला। तो इसको देखते हुए जो स्टेट बार काउंसिल ने और उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जब अपील हुआ था, तो फाइनली उनको स्टेट बार काउंसिल ने भी मिसकंडक्ट माना। ही वेंट इन अपील टू बार काउंसिल ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 37। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी कंसिडर इट ग्रेव मिसकंडक्ट, और स्पेशली कंसिडरिंग ही हैज बीन एन एडवोकेट फॉर 50 ईयर्स, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इनहांस कर दिया पनिशमेंट और इनको बार कर दिया, मतलब एकदम हटा दिया रोल से, यानी ही वॉज प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट फॉर एवर। तो इसके बाद ये रिव्यू के लिए गया सेक्शन 44 में। तो जो रिव्यू था, इट वॉज हर्ड बाई ए बेंच जिसमें इट वॉज हर्ड बाई बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो कमेटी थी, उसमें तीन मेंबर कमेटी जिसमें दो लोग नए थे, डिफरेंट फ्रॉम द वन विच हर्ड द ओरिजिनल पिटिशन। तो इस रिव्यू में उन्होंने कहा कि उन्होंने इसको बस रेप्रीमांड करके छोड़ दिया, और रीज़न उन्होंने ये दिया गिवन कि एवरी ऑर्डर हैज़ टू बी रीजन। तो उन्होंने तीन रीज़न दी। पहला रीज़न ये दिया कि जो ये लेटर हम देख रहे हैं, इट इज़ लेटर रिटन इन रिप्लाई, मतलब उसने ऑफर नहीं दिया ब्राइब करने का, ये क्लाइंट ने पूछा था तो उसने रिप्लाई किया था। और दूसरा बात उन्होंने ये कहा कि दूसरी बात ये कही कि ही इज़ अ वेरी ऑफ सीनियर एज, 50, मतलब कि ही इज़ अराउंड ऑक्टोजेनेरियन। और तीसरी बात ये थी कि इट इज़ इज फर्स्ट टाइम, मतलब पिछले 50 सालों में ऐसा कोई उनके पास इंस्टेंस नहीं आया था एलिगेशन उनके आगे। तो गिवन दीज थ्री, उसने बस रेप्रीमांड करके छोड़ दिया। तो अब ये केस अपील में सुप्रीम कोर्ट के पास आया और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो भी तीनों आपने रीज़न दिए थे, दो थ्री रीजन्स वर ऑन रिकॉर्ड एंड दे वर कंसिडर्ड बाई बार काउंसिल ऑफ इंडिया इनिशियली जब उसने पनिशमेंट दिया था। तो रिव्यू में आप यू कैन नॉट री अप्रिशिएट द एविडेंस से, भाई हम इससे एक अलग कंक्लूजन पहुँच रहे हैं। जैसा हम रिव्यू पावर कोर्ट की देखते हैं, या तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वायलेट हो गई हो, या कोई चीज़ जो कि विच वॉज ऑन द फेस ऑफ इट बट कोर्ट ने इग्नोर कर दिया था, या कोई नई फैक्ट सामने आ गई हो जो उस समय नहीं थी जब रीजन आए थे, तभी रिव्यू हो सकता है। तो कोर्ट यहाँ भी ये कह रहे कि ये सब तीनों बातें बीसीआई के सामने थी कि वो रिप्लाई का लेटर था, ये वेरी सीनियर पर्सन, वेरी ओल्ड फेलो था, और तीसरी बात कि इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन हिज लॉन्ग करियर। तो इसलिए इतना इजीली आपको रिव्यू नहीं ग्रांट करना है, एंड देयरफॉर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड द रिव्यू ऑर्डर एंड रिस्टोर द ओरिजिनल पनिशमेंट बाय बार काउंसिल। तो ये जो भाई साहब थे, ये पूरा हट गए प्रोफेशनल एडवोकेट से। तो दोस्तों, ये केस दो चीज़ के लिए रेलिवेंट है। पहली बात तो ये कि ब्राइब गिविंग जो है ये मिसकंडक्ट है, और दूसरा रिव्यू पावर का स्कोप ये बताता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए केस के साथ। टिल देन, लेट्स कंटिन्यू विद द ट्रिस्ट विद लॉ एंड ऑल द वेरी बेस्ट।